शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका इल्मन नाफिया वरिज़्कन हलाला वक़ल्बन ख़ाशिया वलिसानन ज़ाकिरा वअमलन मुतक़ब्बला रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी जैसा कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मिनहाजुल अरबिया के 11 सबक हो चुके हैं। आज इंशाल्लाह सबक नंबर 12 को हम पढ़ेंगे। और इस सबक नंबर 12 को पढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरी यही ताकीद है कि अपनी स्क्रीन को, अपने मोबाइल की स्क्रीन को एडजस्ट कर लीजिए अगर छोटा बड़ा कुछ हो रहा है तो, और वीडियो क्वालिटी को बेहतर बना लीजिए अगर अल्फाज नहीं समझ में आ रहे हों। और हमेशा की तरह, रोज़ाना की तरह मेरी आज भी दुआएँ हैं जो लोग लाइव में शामिल हो रहे हैं, अल्लाह उनकी मुश्किलात को आसानियों में तब्दील करे, अल्लाह उनकी ज़िंदगी में बरकत नसीब करे, अल्लाह हमारे सुनने बैठने समझने को कबूल करे और हमारी जायज़ दुआओं को शर्फ़ कबूलियत दे, आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए मिनहाजुल अरबिया का सबक नंबर 12 आप जो बोर्ड पर देख रहे हैं यही मुकम्मल दर्स है जो मैंने लिख दिया है। और सबक नंबर 12 में बताने के लिए नया अरबिक नहीं है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि इंशाल्लाह के सबक नंबर 11 और 12 सिर्फ रिविज़न के लिए होगा, जिसमें हमने जो 10 सबक पढ़े हैं जिसमें हुरूफ जार भी आए हैं, ज़मीर भी आई है, जिसमें इसमें इशारा भी आया है, जिसमें मुब्तदा खबर के अहकाम भी आए हैं, जिसमें आयज़न वगैरह जो हमने अल्फाज पहले पढ़े थे वो अल्फाज आए हैं, उनका सिर्फ इयादा है, हुरूफ इस्तेफ़ाम आए हैं, हुरूफ इजाब आए हैं, ठीक है। सबक नंबर 11 और 12 सिर्फ इयादा हैं। और सबक नंबर 13 में हम एक नई चीज़ पढ़ेंगे, वो है लैसा, ठीक है। वो लैसा क्या चीज़ है, किस तरह इस्तेमाल होती है, उसको अरबी में क्या नाम देंगे, ये हुरूफ है, इस्म है, फेल है, ठीक है, वगैरह वगैरह। आज तो बहरहाल ग्रामर की चीज़ नहीं है, अलबत्ता जो कल जिन्होंने होमवर्क किया था शेख फरीज़ा और अतिया साहिबा ने, जो हमें व्हाट्सएप ग्रुप में उन्होंने होमवर्क बताया भी है, बारकल्लाहु फीकुम, वो क्या तरकीबें थी एक बार दोबारा कमेंट सेक्शन में लिखिए आप लोग, ताकि मैं तरकीबों का यहाँ पर आपको समझा दूँ कि तरकीब किस तरह की जानी चाहिए थी और किस तरह आप लोगों ने भी की है, बारकल्लाहु फीकुम, दुरुस्ती की है। चलिए सबक नंबर 12 की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शेयर स्क्रीन हट गई जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए बोर्ड पर देखिए आप लोग क्या है, इसका तर्जमा करना है। आज जो नया वर्ड है इसके अंदर, जो हमने नया वर्ड पढ़ना है आज, इसके अल्फाज हमने अभी तक नहीं देखे, वो है असीस, ठीक है। असीस कहते हैं गमले को, पॉट को, ठीक है। और एक एक लफ्ज़ है गर्स, लिख लीजिए वोकेबलरी के माने, लिख लीजिए मीनिंग्स, लिख लीजिए असीस, असीस के माने हैं पॉट, गमला, ठीक है। गरसुन के माने आते हैं पौधा, प्लांट, ठीक है। वरखुन हमने पढ़ लिया, वर्दुन के माने आते हैं फूल, ठीक है, गुलाब का फूल, एक्चुअली वर्दुन कहते हैं गुलाब, गुलाब को, गुलाब का फूल। शायद हमने अगज़र लफ्ज़ नहीं पढ़ा, अगज़र के माने आते हैं ग्रीन, हरा, ठीक है। और उसी तरह यहाँ पर और एक लफ्ज़ है अहमर, अहमर के माने आते हैं लाल, ठीक है। बाकी के ये हदीखा और एक एक नया लफ्ज़ है, हदीखतुन के माने आते हैं बाग, गार्डन, ठीक है। देखिए असीस गमला, गर्स प्लांट पौधा, वर्दुन गुलाब, अक्सर हरा, अहमर लाल, और अल हदीखतुन के माने आते हैं बाग, ठीक है। और आगे क्या है नया लफ्ज़ जो हमने नहीं पढ़ा, जहरुन भी पढ़ लिया हमने, फाकिहतुन नहीं पढ़ा, फाकिहतुन के माने आते हैं मेवा, फल। चलिए अब इस दर्स का तर्जमा करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है फ़ी हुरफ़ जार है, इसके माने मे के आते हैं, और ये इसमें इशारा मुशारुन, इसका मजरूर है,
فی حاضر رسمی اس تصویر میں اس تصویر میں اسیسن اسیسن یعنی گملہ ہے پاٹ ہے اس تصویر میں گملہ ہے یہ اس کا ترجمہ ہو گیا ہے نا آگے دیکھیں کیا ہے وفی ذالک الاسیسی اور اس حاضر اس تک کیا ہم نے ترجمہ ذالکہ کا ترجمہ اس سے کریں گے اس گملے میں اور اس گملے میں گھر سن پودا ہے اور اس گملے میں پودا ہے علا ذالک الغرسی اس پودے پر علا کے معنی پر اس پودے پر ورقن پتا ہے اور وردن اور گلاب ہے ٹھیک ہے دیکھیے ورقن پتا ہے اور وردن اور گلاب ہے الورق اور پتا اخضر ہرا ہے و اور والورد اور گلاب احمر لال ہے الورق اخضر پتا ہرا ہے والورد احمر اور گلاب لال ہے لیمن لیمن کے معنی آتے ہیں کس کا کس کا ذالک العسیس وہ گملہ کس کا ہے ذالک العسیس وہ گملہ لی ذالک الرجل اس آدمی کا ہے ٹھیک ہے وہ گملہ اس آدمی کا ہے دیکھیں آپ لوگوں کو جملے بنانا آ رہا ہے جملے سمجھ آ رہے ہیں تو آپ اس کو ڈیلی چلتے پھرتے اپنے ساتھ والوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے الفاظ استعمال کریے ٹھیک ہے ایک جملہ پکڑ لیجئے جیسا کہ یہ چیز اس کی ہے یہ چیز میرے بھائی کی ہے یہ چیز میرے بہن کی ہے ٹھیک ہے عربی میں بنانے کی کوشش کریے آپ لوگ تاکہ آپ کو پریکٹس ہوگی تو قرآن مجید میں بھی آپ کو سمجھنے کے لیے آسانی ہوگی حل کیا ذالک الغرس وہ پودا من الحدیقتی حدیقت کے معنی کیا کہا تھا میں نے گارڈن ہے نا باغ سے ہے کیا وہ پودا باغ کا ہے باغ سے ہے یعنی باغ کا ہے سے استعمال کرتے ہیں سے کا ترجمہ کر سکتے ہیں سلیس اردو کریں گے ہم اچھی اردو کریں گے تو اس کا ترجمہ کیسا آئے گا کیا وہ پودا باغ کا ہے کیا وہ پودا باغ سے ہے ایک ہی مطلب ہے نام ہاں ذالک الغرس وہ پودا من الحدیقتی باغ سے ہے یا باغ کا ہے ہاں وہ پودا باغ کا ہے ٹھیک ہے لمن الحدیقت لمن کے معنی کیا تھا کس کا ہے نا لمن کے معنی کیا تھا کس کا الحدیقت باغ باغ کس کا ہے الحدیقت باغ لذالک الرجل اس آدمی کا ہے وہ ہوا اور وہ علی الکرسی کرسی پر ہے باغ اس آدمی کا ہے اور وہ کرسی پر ہے فی الحدیقت زہر باغ میں زہر کے معنی کیا پڑھا تھا ہم نے پھول ہیں وفاکہت اور میوے ہیں ایزن بھی باغ میں پھول اور میوے بھی ہیں سلیس ترجمہ کرنا ہوگا ہمیں کلیئر ترجمہ کرنا ہوگا ایسا نہیں کہ لفظ لفظ کا ترجمہ کریں گے لفظ لفظ کا ترجمہ کر کے دیکھیں بات سمجھ میں آ گئی اس کو اچھے جملے میں پھروئیے باغ میں پھول اور میوے بھی ہیں ٹھیک ہے یہ تھا سبق نمبر 12 کا ترجمہ اگر ترجمے میں کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا کسی کو کوئی بات کوئی الفاظ کی معنی سمجھ میں نہیں آئے تو آپ کمنٹس میں اس کو پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک بار دوبارہ ہم ترجمہ کرتے ہیں فی حاضر اور اعراب بھی دیکھیے اعراب کس کو کہتے ہیں لفظ کے آخری کسی بھی لفظ کے آخری حرف کا اے کو کیا اعراب آیا ہے دیکھیے رسم کو زیر آیا ہے کیوں آیا ہے فی آنے کی وجہ سے ہے نا تو ذالک العسیس اس میں شرح مشار الیہ مل کے یہ جار کا مجرور ہے اسی لیے زیر آیا ہے غرسن تنوین کیوں آئی ہے کیونکہ یہ خبر ہے نا تو اعراب کو سمجھنے کی کوشش کریے ایک زبر کی جگہ زیر ڈالیں گے یا زیر کی دلا پیش ڈالیں گے تو عربی میں پورے معنی بدل جائیں گے
जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ खलकल्लाहु तो इसका तर्जुमा हो गया कि अल्लाह ने पैदा किया। अगर मैं बोलूँ खलकल्लाहा, लाहू के अल्लाहू की जगह अल्लाहा पढ़ दिया अगर मैंने, तो इसके मतलब होंगे अल्लाह को किसी ने पैदा किया, नऊज़ बिल्ला। तो कितने माने चेंज हो रहे हैं एहराब की वजह से, ज़बर की जगह ज़ेर, ज़ेर की जगह पेश। अगर हम कुछ चेंजेस करने की हो गए, कुरान मजीद भी पढ़ते वक्त इसका ध्यान रखना चाहिए कि हम एराब का ख्याल रखें, क्योंकि एक पेश को अगर ज़बर में बदल देंगे या फिर ज़बर को किसी और में चीज़ में बदल देंगे तो फिर माने गड़बड़ हो जाएंगे। इधर तर्जमा देखते हैं, फ़ी हाज़र रसमी असी सुन, इस तस्वीर में गमला है, ठीक है, वफ़ी ज़ालिकल असीसी गर सुन, और उस गमले में पौधा है, अला ज़ालिकल गर्सी उस पौधे पर वर्कुन व वर्दुन पत्ते और फूल हैं, अलवर्कु अख़ज़रु पत्ता हरा है, वलवर्दु अहमरु और गुलाब लाल है, लिमन ज़ालिकल असीसु वो पौधा कि वो गमला किसका है, ज़ालिकल असीसु वो गमला लिज़ालिकर रजुली उस आदमी का है, ठीक है। हाँ, हल ज़ालिकल गर्सु मिनल हदीखती, क्या वो पौधा बाग से है, बाग का है, नाम ज़ालिकल गर्सु मिनल हदीखती, हाँ वो पौधा बाग से है या बाग का है, लिमनिल हदीखतु बाग किसका है, अल हदीखतु लिज़ालिकर रजुली बाग उस आदमी का है, वह अलल कुर्सी और वो कुर्सी पर है, फिल हदीकती ज़हरुन बाग में फूल है, वफा की हतुन और मेवे आयजन और मेवे भी हैं। किसी ने कमेंट सेक्शन में शायद कुछ सवाल किए हैं, एक मरतबा नज़र डालते हैं। अतिया साहिबा ने लिखा फ़ी को पहले भी ला सकते हैं, जी हाँ मैंने पहले कहा था एक दर्स में कि जार मजरूर का कोई फ़ायदा नहीं है, इसको पहले लाएं बाद में लाएं, ठीक है, इसको ला सकते हैं। तो इस सबक में पहले लाया गया है ना, ठीक है, इस सबक में पहले लाया गया, तो इसकी भी मिसालें आपको, अच्छा सवाल है क्योंकि इसकी भी मिसालें आपको मालूम होनी चाहिए कि हमने अब तक जार मजरूर को बाद में ही पढ़ा, पहले नहीं पढ़ा। तो इस सबक में एक नई चीज़ ये है कि जार मजरूर को पहले लाकर बताया गया कि जार मजरूर पहले भी आ सकता है, ठीक है। अगर जार मजरूर पहले आ जाए तो इसका कोई मसला नहीं होता, उसकी हैसियत वही होती है जो बाद में होनी चाहिए। बहरहाल चलिए, बारकल्लाहु फीकुम, सवाल अच्छा था। चलिए, अगर हम आपने जो कल की तरकीबें की थी, अगर उन तरकीबों को आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देंगे तो मैं इंशाल्लाह बोर्ड पर वो तरकीबें आपको कर बताऊंगी, ठीक है। चलिए आगे असीला देखते हैं, सबक नंबर 12 का क्या है असीला। देखिए असीला के आखिर दो सवाल क्या है, वो दो सवाल कैफल वर्दू फूल कैसा है, गुलाब कैसा, फूल नहीं गुलाब, वर्द के माने गुलाब के हैं ना, गुलाब कैसा है, इसका जवाब आपको अरबी में बनाना है। और एक है कैफल गरसू पौधा कैसा है, इसकी आपको अरबी में जवाब बनाना है असीला के, ठीक है। तब तक हम ऊपर के असीला के जवाब देखते हैं, क्या है सवाल। अज़ालिकर रसमु जमीलुन, उम्मीद है कि आप लोगों के पास मिनहाज मौजूद होगी, तो खोलिए और असीला देखिए, और जिनके पास नहीं है वो यहाँ यूँ इस तरह देख सकते हैं। अज़ालिकर रसमु जमीलुन, क्या वो तस्वीर खूबसूरत है, तो इसका जवाब देंगे नाम हाँ, ज़ालिकर रसमु जमीलुन वो तस्वीर खूबसूरत है। आइनल गारसु पौधा कहाँ है, पौधा कहाँ है, तो अलगरसु फिल असीसी, इस तरह जवाब बना सकते हैं कि पौधा गमले में है। आइनल वर्दु गुलाब कहाँ है, इसका जवाब क्या देंगे, आइनल वर्दु
الورد على الشجر ہے نا, گلاب درخت پر ہے, یا پھر الورد فی الحدیقہ, گلاب حدیقہ یعنی باغ میں ہے, اس طرح بھی جواب بنا سکتے ہیں. لمن الورد, کس کا ہے گلاب, تو بول سکتے ہیں الورد لی, گلاب میرا ہے, الورد لك, گلاب آپ کا ہے, یا پھر الورد لفرید, گلاب فرید کا ہے, الورد لذلك الرجل, گلاب اس آدمی کا ہے. جتنے چاہے جو بھی جملے بنا سکتے ہیں. اين ذلك الرجل, وہ آدمی کہاں ہے, تو بول سکتے ہیں ذلك الرجل, وہ آدمی فی الحدیقہ, کدھر, باغ میں ہے. لیکن ہم نے جملے میں پڑھا تھا کہ وہ ہوا علی الکرسی, وہ کرسی پر ہے, تو اس طرح بھی جملے بنا سکتے ہیں. ابھی دو جملے ہیں, کیف الورد, گلاب کیسا ہے. کمنٹ سیکشن میں دیکھتے ہیں کہ اس کا جواب کس نے دیا. حاضر رسم جمیل جدن, اچھا پہلے اسئلے کا سے ہی جواب دینا شروع کیا ہے انہوں نے, ماشاءاللہ بارک اللہ. کون ہے یہ؟ عطیہ صاحبہ ہے, درست ہے. نام ذالک الطائر ببغاؤ, اچھا یہ تو ترکیب کے آپ نے جملے لکھے ہیں شاید, ٹھیک ہے. حاضل قفص لفرید, حاضل قفص لفرید نے, کیف الورد اور کیف الغرسو کے جوابات کس نے دیے, یہ مجھے چیٹ میں دیکھنا تھا. حاضل قفص لفرید الورد جمیل, کیف الورد الورد جمیل, درست ہے یہ. عطیہ صاحبہ نے اس کا جواب دیا الورد جمیل, درست ہے جملہ. کیف الغرسو, الغرس جمیل جدا, پودا بھی بہت خوبصورت ہے, یہ بھی جواب دے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اور بھی جوابات یوں بنا سکتے ہیں کہ الغرس اخضر ہے نا, پودا ہرا ہے. الغرس طویل, پودا بڑا ہے. الغرس صغیر, پودا چھوٹا ہے, یہ بھی بول سکتے ہیں, ہے نا. جی جی میں سمجھ چکی ہوں کہ پہلے کے جملے آپ لوگوں نے جو لکھے ہیں وہ ترکیب کے ہیں, ہے نا. انشاءاللہ ترکیب ہم یہاں کرتے ہیں بورڈ پر. پہلا جملہ انہوں نے لکھا حاضر رسم جمیل جدن, ہم نے جدن کو زبر کیوں آیا, پیش کیوں نہیں آیا, کیونکہ جملے اسمیہ میں ہم اب تک پیش ہی پڑھتے آئے ہیں, مبتدا پہ اور بھی پیش ہے, ضمہ ہے اور خبر پہ بھی, لیکن یہ جدن کیا چیز ہے یہ شاید آپ کنفیوز ہوں گے, اسی لیے جدن کو یہاں سے ہٹا دیں گے, کیونکہ وہ ایڈوانس عربی کی بات ہے کہ جدن ایکچولی مفعول ہو رہا ہے, وہاں پر فعل پوشیدہ ہے, چھپا ہوا ہے, تو ایک لمبی بحث ہے. تو ابھی اگر سٹارٹنگ میں ہی بول دیں گے تو پھر آپ کو مشکل محسوس ہوگی, اس لیے جدن کو اس جملے سے ہٹا دیتے ہیں اور باقی جملہ لکھتے ہیں. کیا تھا وہ جملہ؟ حاضر رسم جمیل نام ذالک الطائر ببغاؤ, حاضر رسم جمیل, اس کا تو پہلے کرتے ہیں. حاضر رسم جمیل ہے نا, یہ اس میں اشارہ, یہ مشار الیہ, مل کے مبتدا, اور یہ اس کی خبر. مبتدا اپنے خبر کیسے مل کے جملے اسمیہ. شیخ فریضہ اور عطیہ صاحبہ نے یہ اس کی ترجمے کی ترکیب کی تھی ہوم ورک واٹس ایپ گروپ میں, درست ہے. جدن کو ہٹا دیجئے کیونکہ جدن کی ایک الگ بحث ہے, اگر ابھی سمجھیں گے تو پھر مشکل ہوگی, پھر بعد میں انشاءاللہ جب فیل کا پڑھیں گے تب اس کو لائیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اگلا جملہ جو ترکیب کا تھا وہ کیا تھا؟ نام ذالک الطائر ببغاؤ, ہے نا. نام ذالک الطائر ببغاؤ, اس کا ترجمہ دیکھیے, حرف ترکیب دیکھیے, حرف ایجاب
ज़ालिका इसमें इशारा, ये मुशारुन इले, इसमें इशारा अपने मुशारुन इले से मिलकर मुब्तदा अल बबगा बबगाओ, ये इसकी खबर मुब्तदा अपने इन खबर से मिलके जुमले इस्मिया, जुमले इस्मिया हरफ एजाब से मिलके या फिर इसी में मिला दीजिए, जुमले इस्मिया इजाबिया, ठीक है, ये इसकी तरकीब होगी। अगला जुमला क्या था, हाजल खफसुल फरीदिन, है ना, ये तरकीब देखिए, इसमें शायद किसी की गलती हुई है, दोनों में से किसकी हुई है मुझे ये अलबत्ता फ़िलहाल याद नहीं है, लेकिन ये देखिए ज़ालिकल खफसुल फरीदिन, इसकी इसकी तरकीब देखते हैं, ज़ालिकल खफसु लिफरीदिन, है ना। अब देखिए ज़ालिका तो हुआ इसमें इशारा, ये हुआ इसका मुशारुन मिला, है ना, इसमें इशारा मुशारुन मिले मिलके मुब्तदा, जार मजरूर तो खबर नहीं हो सकता, है ना, ये लाम जार, ये फरीद मजरूर, जार मजरूर तो खबर नहीं हो सकता, जार मजरूर तो मुतालिक खबर होगा, फिर अब खबर कहाँ है, ये सवाल है, है ना, मुब्तदा के लिए खबर का होना ज़रूरी है, तो यहाँ पर खबर पोशीदा है, छुपी हुई है, जिसको अल्फाज में लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यानी खबर नहीं भी लाए तो हम अपन को जुमला समझ में आ रहा, तो खबर क्या है, काइनुन, काइनुन छुपी हुई है जो दिख नहीं रही, क्योंकि इसीलिए नहीं लाया गया क्योंकि इसको लाकर सिर्फ जुमला लंबा होगा, टाइम वेस्ट होगा, अरबी एक ऐसी ज़बान है कि जब इससे मतलब समझ में आ रहा है, काम चल रहा है तो क्यों लाया जाए। काइनुन, काइनुन के माने आते हैं वो पिंजरा फरीद के लिए है, तो ये काइनुन खबर है, फिर ऐसा लिखेंगे खबर महजूफ़, महजूफ़ यानी हजफ कर दी गई, निकाल दिया गया सेंटेंस से, उसकी ज़रूरत नहीं थी तो उसको निकाल दिया गया, तो मुतालिक़ खबर, मुब्तदा अपने खबर महजूफ और मुतालिक़ खबर से मिलके जुमले इस्मिया, है ना, ठीक है, बारकल्लाहु फीकुम। आप लोगों के भी जुमले तराकीब दुरुस्त थी, बस एक चीज़ समझानी थी कि कभी कभी खबर को हजफ कर दिया जाता है क्योंकि वो एक उसकी ज़रूरत ही नहीं होती, इतनी कॉमन चीज़ है कि वो बग़ैर खबर के वो जुमला पूरा समझ में आ रहा है। चलिए आगे तर्जमा करो है, देखिए आखिर के तीन जुमलों का तर्जमा जो लाइव सेशन में शामिल है मौजूद हैं वो लोग आखिर के तीन जुमलों का तर्जमा करिए, वो तीन जुमले क्या हैं मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। क्या तस्वीर इस्लाम में जायज़ है, क्या तस्वीर इस्लाम में जायज़ है, देखिए क्या तस्वीर इस्लाम में जायज़ है। दूसरा जुमला हौज़ में पानी है, हौज़ हौज़ की अरबी हौज़ ही आएगी तो हौज़ से ही करिए, हौज़ में पानी है, पानी वज़ू के लिए अच्छा है, ठीक है, ये तीन जुमलों की आप अरबी बनाइए, तब तक हम ऊपर के जुमलों की अरबी बनाते हैं। पहला जुमला क्या है, तोता इस पिंजरे में है, तोता अलबबगाऊ इस पिंजरे में, फ़ी हाज़ल कफ़सी अलबबगाऊ फ़ी हाज़ल कफ़सी, इस तरह भी लिख सकते हैं या फिर फिल खफसी बबग फ़ी हाज़ल खफसी बबगाऊ, ये दर्ज के लिहाज से हम जुमले बनाएंगे, फ़ी हाज़ल खफसी बबगाऊ, मेवा उस दुकान इस दुकान में है, इस दुकान में फ़ी हाज़त दुकानी मेवा फ़ाकिहतुन, ठीक है, फ़ी हाज़त दुकानी फ़ाकिहतुन, कुंडा उस तस्वीर में है, उस तस्वीर में की अरबी फ़ी ज़ालिकर रसमी असीसुन, वो लड़का बाग में है, फ़ी फिल हदीखती ज़ालिकल वलदु, ठीक है,
या फिर जालिकल वलदु फिल हदीकती, जार मजरूर को पहले तो भी लाइए या बाद में तो भी लाइए। अगर पहले ला रहे हैं जार मजरूर को तो बाद वाले उसको नकेरा बना दीजिए, तनवीन वाला बना दीजिए। अगर जार मजरूर को बाद में ला रहे हैं और वर्ड को पहले ला रहे हैं तो उसको मुब्तदा बनाकर उसको मारफा रखिए। उस घर में कौन है? मन फी जालिकल बैती, वो किताब उस लड़के के लिए है या उस लड़के की है। जालिकल किताबू लिजालिकल वलदी, ये पौधा खूबसूरत है। हाजल गरसु जमीलुन, ये मुल्क अल्लाह का है। हाजल मुल्क लिल्लाही, ये तस्वीर किसकी है। लिमन हाजर रसमु, वो तस्वीर उस आलिम की है। जालिकल रसमु लिल आलिम, लिजालिकल आलिमी उस है ना, जालिकल आलिमी। एक बार दोबारा कमेंट सेक्शन में देखते हैं कि किसने इन जुमलों के तर्जुमे दुरुस्त किए हैं और किसने किए हैं। दुरुस्त करने से ज़्यादा अहम बात है कि किसने किए हैं। हा क्या है ये, हाजर रस्म हलिर रस्म जायज़ुन फिल इस्लामी, शेख फरीज़ा ने लिखा क्या इस्लाम में तो दुरुस्त है। बारकल्लाहु फीकुम। हलिर रस्म जायज़ुन फिल इस्लामी, अतिया साहिबा ने भी दुरुस्त लिखा। अलमाउ फिल हाउज़ी, अलमाउ फिल हाउज़ी, अतिया साहिब और शेख फरीज़ा ने दोनों ने इसके जवाब लिखे हैं माशाल्लाह। अलमाउ तय्यिबुन लिल वज़ूई, अलमाउ तय्यिबुन ठीक है, अतिया साहिबा ने इसका जवाब तीसरे जुमले का लिखा है, दुरुस्त है। माफी हाउज़ी, हौज़ में क्या है। माफी हाउज़ी के माने ऑफरीन ने लिखे हैं, माफी हाउज़ी यानी हौज़ में क्या है, लेकिन ये जुमला यहाँ पर नहीं है बनाया गया। हाउज़ में पानी है, अच्छा शायद अलमाऊ लिखना चाह रहे थे, वो टाइपिंग मिस्टेक है। दुरुस्त है आफरीन सुल्ताना, आपका भी जुमला दुरुस्त है, बस माँ को अलिफ्लाम लगाइए अलमाऊ, क्योंकि मुब्तदा पे अलिफ्लाम आएगा ना, तो अलमाऊ फिल हाउज़ी ये जुमला होगा। अलमाऊ तय्यिबुन लिल वुज़ूई, ये किसने बनाया, शेख फरीज़ा ने। अलमाऊ तय्यिबुन लिल वुज़ूई दुरुस्त है माशाल्लाह बारकल्लाहु फीकुम। और आफरीन सुल्ताना आपने भी जो कोशिश की है काबिले तारीफ़ हैं, आप अरबी से बिल्कुल अनजान होने के बावजूद भी आपकी कोशिशें अल्लाह कबूल करें। सिर्फ जुमला दुरुस्त है, सिर्फ माँ पे अलिफ्लाम लगाना, क्योंकि जो मुब्तदा होता है वो मारफा होता है यानी अलिफ्लाम वाला होता है ना, तो अलमाऊ लगाएंगे तो जुमला आपका भी दुरुस्त हो जाएगा। बारकल्लाहु फीकुम। एक बार तर्जमा करते हैं, तोता, एक बार पूरा देख लीजिए दर्स का आप। तोता इस पिंजरे में है। फी जालिकल खफसी बबगाऊ, मेवा उस दुकान में है। अगर उस बोलेंगे तो जालिका लगाएंगे, इस बोलेंगे तो हाजा लगाएंगे, तो मेवा उस दुकान में है। फी जालिका दुकानी फाकिहतुन, कुंडा उस तस्वीर में है। फी जालिकल रसमी, फी जालिक अगर उस बोलेंगे तो जालिका लगाएंगे। असी सुन है ना, कुंडा यानी गमला पॉट, वो लड़का बाग में है। जालिकल वलदु फिल हदीकती, या फिर उस घर में कौन है। मन फी जालिकल बैती, वो किताब उस लड़के की है। जालिकल किताबू लिजालिकल वलदी, ये पौधा खूबसूरत है। हाजल गरसु जमीलुन, ये मुल्क अल्लाह का है। हाजल मुल्कु लिल्लाही, ये तस्वीर किसकी है। लिमन हाजर रस्मु, वो तस्वीर जालिकल रस्मु उस आलिम की है। लिजालिकल आलिमी, क्या तस्वीर इस्लाम में जायज़ है। हलिर रस्मु जायज़ुन फिल इस्लामी, हौज़ में पानी है। अलमाऊ फिल हाउज़ी, पानी वज़ू के लिए अच्छा है। अलमाऊ लिल वज़ूई जय्यिदुन तय्यिबुन, ठीक है। बारकल्लाहु फीकुम। आप लोगों के भी जुमले बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है। अगर किसी को कुछ सवालात, इंशाल्लाह कल लाइसा की बहस पढ़ेंगे कि क्योंकि आने वाला सबक में लाइसा है, तो मैं चाहूँगी कि सबक को जितना हो सके उतना आसान करेंगे, क्योंकि आप लोग बिगनर्स हैं तो ज़्यादा इसको उलझेंगे नहीं इंशाल्लाह। बहरहाल अगर अब इस दर्स में किसी को कुछ भी सवालात है
तरकीब में या वगैरह किसी चीज़ में, तो आप पूछ सकते हैं। तब तक हम इसका होमवर्क देते हैं आपको। सबक नंबर 12 का पूरा तर्जमा करिए आप लोग किताबों में, असेला भी लिखिए, उनके जवाबात भी लिखिए, तर्जमा करो भी किताबों में महफूज रखिए, क्योंकि सिर्फ एक 10 मिनट का काम है, उससे ज़्यादा का काम नहीं है ये, तो क्योंकि आपके पास महफूज रहेगी। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, मैं कुछ 2 जुमले दे रही हूँ, 2 जुमलों की आपको तरकीब करनी है। क्या है वो जुमले, आखिर के 2 जुमले है, देखिए, अलहदीक़तु लिज़ालिक रजुली वहुवा अलल कुर्सी, जुमला नंबर 1 सबक का पेज नंबर 32 का है, लास्ट के 2 लाइंस। फर्स्ट लाइन क्या है, अलहदीक़तु लिज़ालिक रजुली वहुवा अलल कुर्सी, ये एक है जुमला नंबर 1 तरकीब करने का। जुमला नंबर 2, फिल हदीक़ति ज़हरुन व फ़ाकिहतुन अयज़न, बाग में फूल और मेवे भी हैं। आयज़न को हटा दीजिए क्योंकि मफूल की बहस में आता है जो हमने नहीं पढ़ी। आयज़न हटाकर फिल हदीक़ति ज़हरुन व फ़ाकिहतुन, ठीक है, इन दोनों जुमलों की तरकीब करिए। और शायद मैंने पिछले सबक से कोई कुरानी मिसालें आपको ढूंढने के लिए नहीं कही थी, तभी आप लोगों ने नहीं की हैं। अलबत्ता कुरान से आपको ये मिसालें निकालनी हैं आज के उसमें, यानी इस तरह किस तरह है, देखिए, शुरू में जार मजरूर है, फिर बाद में तनवीन है ना, तो इस तरह की सिर्फ 2 मिसालें अगर कुरान से मिल गई या एक भी मिल गई तो उसको नोट कर लीजिए, यानी शुरू में जार मजरूर है, फिर बाद में नकेरा वाली मिसाल है तनवीन, जैसे कि फ़ी हाज़र रस्मी असीसुन, पहले जार मजरूर है फिर नकेरा है ना, ऐसे अगर कुरान से कोई मिसाल 1 या 2 मिल रही हैं तो उसको लिख कर बताइए, ताकि आपका यादा कुरान मजीद से भी हो जाए। मेरी इतनी गुफ्तगू के दौरान किसी का कमेंट सेक्शन में अभी तक सवाल नहीं आया, तो ठीक है, फिर तो क्लास को एंड करते हैं। इसी तरह लाइव में शामिल रहिए, चाहे आपको क्लास समझ में आती हो या ना आती हो, क्योंकि इससे एक तसलसल बाकी रहता है, और शैतान जो मुसलसल आपको पीछे खींचता है सीखने से, उससे आप इंशाल्लाह महफूज रहेंगी। और अगर समझ में नहीं आ रही क्लास, तो उसको दोबारा सहबारा हर बार देखते रहिए, ताकि आपको पुख्ता हो जाए वो चीज़। और कभी कभी ऐसा होता है बिगनर्स के लिए कि ग्रामर, ये होती है हमारी कैफियत कि ग्रामर समझ में आती है लेकिन याद नहीं होता। वो इसीलिए होता है क्योंकि अब बिगनर है ना, हर चीज़ अचानक नहीं आती। एक बच्चा अचानक से बिरयानी खाना तो सीख नहीं सकता, शुरुआती चीज़ों से, दूध से ही उसकी इब्तदा होती है ना, तो इसी तरह कोशिश करिए। बारकल्लाहु फीकुम। अतिया साहिबा ने लिखा कि आपने होमवर्क दिया था या हुर्फ़े निदा की आयत लिखना, लेकिन शायद मुझे याद नहीं कि होमवर्क में आप लोगों ने लिखा है, अगर लिखा है तो मैं दोबारा एक मर्तबा देखती हूँ, ठीक है। अगर नहीं लिखा तो फिर आज के दर्स के साथ लिख दीजिए, या हुर्फ़े निदा के कुरान से एक मिसाल लिख दीजिए, ठीक है। क्लास को एंड करते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जाने से पहले वीडियो को लाइक करिए और दूसरों को ज़रूर शेयर करिए, जिसको इस्तेफादा या फ़ायदा होने की गुंजाइश है उनको ज़रूर वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि ये आपके लिए सवाब जारिया बन सके और दूसरे सुनने वालों के लिए ये उनके लिए भी बाइस फ़ायदा हो सके, ये और हमारे लिए भी बाइस फ़ायदा हो सके। अल्लाह इस क्लास को हमारे लिए और आपके लिए सबके लिए फ़ायदेमंद सूदमंद बनाए दुनिया और आखिरत में। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।